आज भी डालना है कुछ? आज शाम को डालना है। वो जो मक्की पूरने वाले आते हैं वो तो बहुत फेमस हो गए, उनको डालती रहती थी ना मैंने। सो गाइस अभी मैं घर पहुंची हूँ और अब मैं खा लेती हूँ गर्मा गर्म दाल चावल, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, तो देखिए मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब जाना है हमने मार्केट की ओर, और फिर आपको भी मेरे साथ साथ चलना है। और अभी अभी नाश्ता किया था थोड़ी देर पहले, और नाश्ता वाश्ता करके बस फ्री हुए मैं, तैयार हो गई हूँ। तो ठीक है, फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस अभी अभी है सुबह सुबह का टाइम, इस टाइम 5:45 का टाइम हो गया। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, ये पी रही हूँ मैं पानी, बादाम वगैरह खा रही हूँ। और ये देखिए बाहर हल्का हल्का सा उजाला हुआ, अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। तो चलो फिर मेरे साथ बाहर चलो। तो ये देखिए हल्का हल्का उजाला हो चुका है, क्योंकि 6 बजने में आई थिंक 10 मिनट होंगे अभी, तो 6 बजने वाले। सुबह सुबह अच्छा लगता है मुझे, थोड़ी वॉक कर लेती हूँ थोड़ी। तो आज सुबह सुबह ही हमारी आंटियाँ आ गई हैं सब्जी लेके। मैंने आपको जैसे बताया अपने हम लोगों कि यहाँ गांव से आती है सब्जी लेके आंटियाँ, तो इनसे साग वगैरह ले लेते क्योंकि अब तो ठंड हो ही चुकी है, अब साग का ही मौसम चलेगा। तो फिर फटाफट काट के मैं बना भी देती हूँ, मुझे जाना भी है। तो ये लीजिए हमारा साग हो गया तैयार, अब मैं इसको घोट लेती हूँ। और फिर ये देखिए ये मैंने बनाई है मूली की भुर्जी, थोड़ी सी खाने के लिए, तो टेस्टी लगती है ये भी। मौसम ख़राब है, सुबह के टाइम मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, रात को 2:45 बजे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और अभी भी बादल आ गए हैं। सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और तो अब जो है सुबह के 10:30 हो गए हैं, और अब चलते हैं मार्केट की ओर। और हो सकता है कि मैं शेरू और अंकल से मिलने के लिए जाऊँ, क्योंकि शेरू बीमार है, आपको पता है मैंने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो इसलिए। तो ठीक है, फिर ज़्यादा देरी ना करते हो। सो गाइस अंकल जो है वो कोर्ट आए हैं, आज उनकी तारीख है, तो उनके घर पे तो मैं जा नहीं पाऊँगी, तो कोर्ट में इनसे मिलते हैं। तो ये देखिए अंकल खड़े हैं, और अंकल मेरा वेट कर रहे थे, अंकल ने चाय पीनी थी तो ये मेरा वेट कर रहे थे। ये हमारा कोर्ट है सोलन का, तो आज अंकल की तारीख है। और अब अंकल और मैं यहाँ कोर्ट में ही कैंटीन है वहाँ पर बैठे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हिमाचल के लोग ज़्यादा चाय पीते हैं। जब मैं आ गई हूँ मोहन पार्क, क्योंकि मुझे आगे जाना था और स्कूटी का कुछ सामान है वो डलेगा, तो वो पूछने के लिए जाना था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देरी यहाँ पे धूप भी सेकते हैं और थोड़ी देरी यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं अकेले में। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है जोड़े आते हैं, प्रेमी का प्रेमी, और मैं कर रही हूँ मंजू से बात। तो ये देखिए यहाँ का व्यू, मतलब यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत पुराना है ये पार्क, अच्छा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये पार्क, यहाँ पे अकेला सही है ये पार्क, यहाँ पे कोई ज़्यादा घर मकान नहीं है इतने ज़्यादा। तो ये रहे हमारे भोले शंकर जी, जो बहुत पुराने हैं, मेरी मम्मी के टाइम की ये मूर्ति है रखी हुई यहाँ भोले शंकर जी की। तो यहाँ का जो आसपास का व्यू है बहुत ही अच्छा लगता है, लोग यहाँ ज़्यादातर सर्दियों में आते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन की धूप रहती है, धूप भी सेकते हैं और गप्पे भी मारते हैं। तो ये देखिए बैठे हैं लोग यहाँ काफी, और बहुत अच्छा है यहाँ से, अच्छा व्यू दिखता है हर जगह।
देवी मंजू से भी बात करी। ये देखिए मंजू को कॉल दिख रहा होगा। हेलो बोल। हेलो। तो कुछ देर यहाँ पे मंजू से बैठ के बातें करी, अच्छा लगा, काफी मन को शांति मिली यहाँ अकेले में। अरे कोई नहीं है, ब्लॉग ब्लॉग में बोल रहा हूँ। ये मुझे बोले कॉल है, किससे बात कर रही हूँ, ब्लॉग में बोल रहा हूँ। आज शाम को डालना है। सो ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा मलबा आ चुका है सड़क में। ये उस वक्त आया था जब अभी पीछे बारिशें हुई ना बहुत ज़्यादा, तो हर जगह जो है ये टूट फूट हुई है, तो उस वक्त की टूट फूट है ये। कुछ मकान भी जो है नीचे आगे आगे थे सड़क में, तो आपको देख ही सकते हो यहाँ से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। यहाँ पर काफ़ी लोगों का यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे घर जो है वो नीचे आ गए थे सड़क में। बहुत ज़्यादा मलबा आया ये, और रोड तो मतलब पता ही नहीं था कि रोड कहाँ गया। ये दोबारा से बनाया है ये जो आपको दिख रहा है। सो गाइस अभी मैं घर पहुँची हूँ, और अब मैं खा लेती हूँ गर्मा गर्म दाल चावल, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और इस टाइम 3 बज गए हैं, और मैं लेती आई हूँ आज घर पर। और अंकल से मिलने गई थी, उनकी कोर्ट में आज पेशी थी, किसी ने उनसे पैसे ले लिए थे ना उधार, तो उसने वापस नहीं दिया, तो अंकल ने उसके खिलाफ मतलब कंप्लेंट की थी, तो आज तो उस बंदे को अरेस्ट कर लिया था, तो फिर आज इसलिए उन्होंने कोर्ट में बुलाया था मेरे को भी। कहते आप भी आ जाना बोले कोर्ट में, थोड़ा मेरे को हौसला हो जाएगा बोलो हेल्प के लिए। तो ऐसे अंकल को सब मतलब लूटते रहते और डराते रहते सब लोग, तो उस वजह से गई थी मैं कोर्ट में। तो मैं खा लेती हूँ खाना, तो फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। मैं अगले दिन इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, और मैं अभी देखो नहा कर आई हूँ, और ठंड भी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और अभी मुझे और मम्मी को भी जाना है संगत में। तो आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें, और कॉमेंट में प्लीज़ आप करा करो कि मैं किस तरह के ब्लॉग बनाऊँ, क्या क्या आपको पसंद है, मैं उसी तरह के ब्लॉग बनाऊँगी। और वैसे तो मुझे ज़्यादा खाने पीना ही के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी तरह के डालती हूँ ज़्यादातर। तो अभी देखो मैं चाय पी रही हूँ नहाने के बाद। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप लोग भी हमेशा हमेशा खुश रहें, यही मेरे भगवान जी से दुआ है।